नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज मैं चावल की खीर बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक आधा लीटर दूध लिया है और पैकेट से मैंने खोल कर निकाल दिया है। इसी एक पैकेट का मैं खीर बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताती हूँ। ये देखिए, ये दूध खोल जाए हमारा। और मैंने दो मुट्ठी चावल भिगो कर रखे हैं ये सॉफ्ट होने के लिए। ये देखिए, मैंने दो मुट्ठी चावल भिगो कर रखे हैं, तो इसमें हमारा ये सॉफ्ट हो जाएगा चावल, तो खीर जल्दी से बन जाता है। उसके बाद हमें क्या क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये चावल अच्छी तरीके से जब फूल जाता है तो बहुत अच्छे से जल्दी से पकता है। अब हम इसको दूध को पहले खौलाएंगे, उसके बाद जब दूध खौल जाएगा तब हम इस चावल को उस पर डालकर चलाएंगे, और कितनी देर चलाना है वो आपको हम दिखाते रहेंगे। चलिए आगे का प्रोसेस अब दिखाते हैं। देखिए, अब मेरा दूध बिल्कुल बॉयल हो रहा है अच्छी तरीके से। जब बॉयल हो जाता है तो इसमें हम सिम कर देते हैं, और सिम करने के बाद जो चावल मैंने भिगोए थे इसके पानी गिरा दिए हैं, और अब ज़्यादा इसमें चावल नहीं डालेंगे क्योंकि ये हाफ लीटर दूध है। अब मैं चावल को डाल देती हूँ। 15 से 20 मिनट मैंने चावल को भिगो दिया था। अब इसको चलाऊंगी मैं धीरे धीरे। ये देखिए, अब मैं इसको चलाने के लिए कलछुल लिया है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से चलाकर इसको पकाऊंगी। जब ये पक जाएगा धीमी आंच में, तो अच्छी तरीके से मैं इसको आगे की प्रोसेस बताते रहेंगे आपको। ये चावल की खीर हम लोग अक्सर बनाते हैं, आज तो संडे का दिन है तो इसलिए हम लोग चावल की खीर बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूध होने से हम दूध तो पी नहीं पाते, गर्मी का समय है, तो हम चावल की खीर इसको बनाने जा रहे हैं। चलिए अब हम आगे प्रोसेस दिखाते हैं। छोटे बर्नर पर रख दिया है, ये हमारा खीर बनकर बिल्कुल तैयार होता रहेगा धीमी आँच में। तब तक मैं इसमें कुकर में चना का दाल छौंकूंगी, जो कि दाल की मैं पराठे बनाऊंगी, तो इस खीर से खाने का एक अलग आनंद आता है। और इसको हमें एक कटोरी मैंने लगभग इसको भिगो कर रखा था, एक से डेढ़ घंटे तक मैंने भिगो दिया है और अच्छी तरीके से ये भीग चुका है। तो अब जितना पानी सोख किया है अब इसको हम बढ़िया सा छौंकेंगे। इसमें मिर्च, हींग और मेथी दाना और हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है। चलिए अब हम इसमें पहले तेल डालते हैं, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं। हाँ, देखिए कुकर मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं कलछुल से तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, पौन दो डबल टेबल स्पून ही हमारा ये सरसों का तेल है जो कि हम कुकर में डालेंगे इसको छौंक लगाने के लिए। और चार से पाँच हरी मिर्च ले लूँगी। ये देखिए, हरी मिर्च ले लिया है, ये हरी मिर्च मैं काटूंगी और कुछ मेथी के दाने डालूंगी। ये देखिए, मेथी दाने से चने का दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब तक गर्म होगा मैं इसमें मेथी दाना डाल देती हूँ, और साथ में हींग डालूंगी एक पिंच। खीर मेरा पकता रहेगा, इसको भी मुझे पीसना है मिक्सी जार में जब ये दाल हमारा पक जाएगा। और साथ में नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। चलिए, अब मेरा मेथी दाना अभी तड़प जाएगा तो मैं मिर्च डालूंगी, दो पीस कर दूंगी क्योंकि मुझे मिक्सी में डालना है, पीसना तो है ही है। इसके लिए दो पीस कर देंगे, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें
चने की दाल को जो मैंने भिगोया था एक कटोरी में, इसमें दाल को छोड़ दी। आज को तेज कर देते हैं। मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी जो कि सादा रेगुलर नमक हम डालते हैं। इसको भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। और फिर पानी ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ आधा कटोरी पानी डालेंगे। दो टेबल स्पून ही हम पानी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा जल्दी ये पक जाता है, इसीलिए मैंने कुकर में पका, वैसे तो लोग कढ़ाई में भी छोंक देते हैं। अब मैं इसके लिए लहसुन छीलती हूँ, तब तक ये सीटी आएगी, तब तक ये सीटी आएगी। दो सीटी में भुजाएंगे चने की दाल की पूरी और खीर का बहुत बहुत अच्छा मेल होता है जो कि हम लोग बहुत पसंद करते हैं। चलिए सीटी आने तक हम वेट करते हैं, आगे का देखते हैं। देखिए हमारी सीटी आ रही है। अब मैं प्रेशर निकालने के लिए वेट कर रही हूँ, उसके आगे का हम प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी जब तक हम आटा गूंथ लेते हैं मशीन में, मैंने 2 गिलास आटा इसमें डाल कर रखा है। अब मैं आटे को भी गूंथूंगी। इसमें 1 टेबल स्पून आटे में 2 गिलास हमारा इसी गिलास से आटा है और 1 गिलास ये पानी है, तो इसका रेशियो यही है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल डाल देते हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, इससे क्या होगा कि हमारे आटे में बहुत ही अच्छी पूड़ी बनेगी। पराठा बनाइए या पूड़ी बनाइए। अब हम आगे की प्रोसेस में दिखाते हैं कि हमें सबसे खास चीज़ होती है जो आटा नमकीन गूंथते हैं तो उसमें हम पूड़ी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो उसमें अजवाइन डालते हैं। अजवाइन भी हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब मैं मशीन को चालू करती हूँ। अब मेरा मशीन बिल्कुल चालू हो चुका है, आप देखिए।
हमारा बिल्कुल रेडी हो चला है। अब हम चने के दाल को पीसने की तैयारी करते हैं। उसमें क्या क्या पड़ेगा उसको भी हम आपको दिखाते हैं। ये आटा गूंथ गया है। अब देखिए इसका मैं कैसे पराठा बनाती हूँ। जब तक मैं दाल को प्रेशर निकल चुका है, अब दाल को पीस कर दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया सा दाल पिस गया है। अब मुझे ऊपर नीचे थोड़ा सा चलाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हींग और लहसुन मिर्च का जो टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत बढ़िया सा तैयार हो चला है। देखिए चना का दाल हमारा पिसकर तैयार हो गया। अब इसको हम जब बनाएंगे तो इसमें हम ऊपर से खड़ा जीरा डालेंगे, और जीरा डालने के बाद ही हम आपको पराठा बनाकर दिखाते हैं, और खीर के साथ ही सर्व करेंगे। दूसरी बार भी मैं पीस लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक कटोरी मैंने भिगोया था, क्योंकि 4 से 5 लोगों के लिए बहुत ही ठीक रहता है। देखिए एक कलछुल मैंने डाला था, दूसरा कलछुल भी मैंने डाल दिया है। इस बार मैंने अभी कुछ नहीं डाला है। अब इसमें हमें सादा पीसना है। ये छौंका बघारा हुआ है। लहसुन मैंने पहले घान में डाल दिया था, इसलिए लहसुन नहीं, अब खड़ा जीरा डालूंगी, तो मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सा दाल हमारा पीसकर तैयार हो गया है। अब मैं इसी में आपको दिखाती हूँ जीरा। देखिए चने के दाल के साथ में अब हमें खड़ा जीरा डालना है। कितना डालना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। स्वादानुसार ही डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि खड़ा पड़ता है, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया सा आता है। मिर्च कम लगेगी तो हम कुटा मिर्च डालेंगे। देखिए मिक्स कर दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरा दाल बिल्कुल रेडी हो चला है। ये देखिए अब मैं पराठा बनाकर दिखाती हूँ। अब देखिए खीर में हमने बादाम, काजू, किशमिश सबको हमें काट कर डालना है खीर में, और चीनी कितनी डालनी है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। ये सर्व करते समय मैं खीर में नारियल का लच्छा डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, इसको मैं साइड में रखती हूँ। और मेवे जो मैंने काट लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये मैं सबको अब डालने जा रही हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। मेरा खीर धीमी धीमी आंच में पक रहा है, बहुत बढ़िया सा। कुछ खड़े मैंने डाले हैं, ये देखिए। अब इसको पकने का बहुत बढ़िया सा जरिया होता है कि धीमी आंच में जब खीर पकाइएगा बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अब धीमी धीमी आंच में इसको पकने दीजिए। चीनी मैं सबसे लास्ट में उतारूंगी, तभी डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं छोटी इलायची पीस कर रखती हूँ क्रश करके, तो उसको भी मैं स्वादानुसार ही डाल दूँगी। न ज़्यादा बारीक है न ज़्यादा मोटी है। देखिए एक पिंच हम इसमें डाल देंगे खीर में। इसका फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आता है, और खीर हमारी देखिए बिल्कुल धीमी आंच में पक रही है। चीनी देखिए मैंने हाफ कटोरी निकाली है। जितनी मैंने चावल लिया था उतना ही मैंने इसमें
चीनी लिया है। चीनी थोड़े मोटे दाने की थी इसलिए मैंने कम लिया है। कुछ इसमें मिश्री के दाने हैं जो हम पूजा के लिए भोग लगाते हैं तो इसमें हमारे मिले हुए हैं। चलिए अब इसको हम खीर को बंद करके और चीनी को डालते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब मैं दाल का पराठा बनाने जा रही हूँ। देखिए दाल का पराठा कैसे बनता है और इसका क्या प्रोसेस है। ये दाल मैंने ले लिया है। अब इसके बाद पराठा बनाने के लिए छोटी सी लोई लिया है मैंने और इसी को मैं अच्छे तरीके से इसको फिलिंग करा दी। फिलिंग करने के लिए जो जैसे आपको बनानी हो वैसे बना दी। कुछ ऊपर से भी निकालना है तो आप लोई को निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सभी लोई को भरकर तैयार करते हैं। भरते हैं पराठा बनाने के लिए छोटी छोटी, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं। तो आप पूड़ी नहीं बना रहे हो, पराठा बना रहे हो। देखिए बहुत बढ़िया सा ये हम ऊपर का पीस निकाल देते हैं और इसी तरह हम पराठे को बेलेंगे। ये इतना बड़ा ही पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। चने की दाल की जो पराठा और खीर का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया सा है। देखिए मैं बेल रही हूँ छोटे छोटे से, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, जैसे आपको बेलना है वैसे ही बेलिए क्योंकि पराठा थोड़ा सा पतला ही बनाते हैं। और थोड़ी सी हम अपनी माता को भी डालते हैं। ये देखिए अब इसी तरह हम फिर से लोई लेंगे, छोटी ही लोई है रहने देखिए। और दाल का पराठा हम इसी तरह बनाते हैं। फीलिंग बहुत ज़्यादा न भरिएगा क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से बेलना आता है तो आप भर कर बेलिए। ये देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको आप निकाल दीजिए, फिर अच्छी तरीके से हम लोई को तैयार करते हैं। आँच को तेज कर देते हैं। ये देखिए और सरसों के तेल में ही हम पराठा सेकेंगे। आप गोला गोला सा बेल लीजिए, बहुत बढ़िया सा ये बेलेगा। बहुत बढ़िया से ये पराठा बनकर तैयार है। मैं ये अग्नि देवता को समर्पित करती हूँ। ये रहा मेरा पराठा। अब कैसे बनाना है, वाह बहुत बढ़िया सा पराठा बनकर हमारा रेडी हो रहा है। आप रिफाइंड से, बटर से, देसी घी से जैसे चाहें वैसे ही आप सेक सकते हैं। आँच को सिम कर दीजिए, बिल्कुल पराठा मस्त बनेगा। फूली फूली पराठा बन रहा है। स्टैंड पर रखने से हाथ नीचे आ जाएगा और दूसरा पराठा मैं दे दूँगी। अब इसी तरह मैं फिर से लोई देकर एक चम्मच ही हम इसमें पीले, ज़्यादा भरने से फटने लगता है।
जो कि बहुत बारीक सा हमने पीस कर रखा है। दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से लोई को हम निकालते हैं। बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं पराठा बेल पर। अब इसको छानना हो आप छान सकते हैं। बेलना बेल कर हमने सेम आँच में ही इसको रखा था, इसीलिए ये बहुत बढ़िया सा गोल्डन हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार बनाइए मेरी तरह, फिर आप बताइएगा कि हाँ कितना बढ़िया सा ये पराठा बनकर तैयार हो रहा है। क्योंकि मोहनदार आता है, इसका पराठा जो खाएगा वो तो बार बार इसी तरह बनाएगा। सादे आटे की भी बनती है, ऐसा नहीं है। अब इसको हम आज को फिर सेम कर देंगे, फिर से हम बनकर तैयार। सरसों के तेल में थोड़ा सा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सोना बनाता है, इसीलिए हम लोग रिफाइंड कम यूज करते हैं। कभी कोई मन करता है तो रिफाइंड में बनाते हैं। आपकी इच्छा है तो आप देसी घी में भी पराठा या बटर में सेक सकते हैं। तो इसको भी मैं दे लूँगी इसी तरह जैसे मैंने तेल पर इसको दिखाया है। तेज कर दीजिए, अब एक लास्ट पराठा सेकते हैं, उसके बाद मैं सर्व करूंगी खीर और पराठे के साथ में। मैंने पराठा सेक दिया है और उसको सर्व बिल्कुल बढ़िया सा फूल आज को हमने बना दिया है गैस पर। अब मैं सर्व करती हूँ। कैसे सर्व करना है उसको भी मैं देखती। सबसे पहले मैं पराठा रखूँगी तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। सर बहुत खूबसूरती के साथ में और खीर देखिए, खीर हमारी बिल्कुल लज्जतदार बनकर तैयार है। कॉम्बिनेशन ही बहुत अलग है। अब इसके ऊपर ही थोड़ी सी लच्छे से, नारियल के लच्छे से गार्निश कर देते हैं। अब मैं, अगर आपको ये थाली अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।